लीक हुआ भारत के अग्नि सेवन की ताकत, सभी मिसाइलों का बाप हो रहा तैयार, जिसकी टक्कर की दुनिया में कोई नहीं है मिसाइल, जिसके एक झलक मात्र से ही चौंक उठी पूरी दुनिया। चीन, अमेरिका, रूस और जापान के भी होश उड़े। दोस्तों, अमेरिका का थिंक टैंक और मीडिया रिपोर्ट्स ने बड़ा खुलासा करते हुए पूरी दुनिया को बताया है कि भारत ने असल में अग्नि 6 को बनाकर तैयार कर लिया है। अब कल्पना कीजिए, अगर अमेरिका के थिंक टैंक की यह बात सच हो तो अग्नि 6 के बाद अग्नि 7 का नंबर आता है। दोस्तों, यह बात जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि दुनिया के कुछ एक्सपर्ट ने अग्नि 7 के पावर को भी लीक कर दिया है, ताकि भारत के जो दुश्मन देश हैं उनको यह अंदाजा लग जाए कि भारत की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। भारत से पंगा लेना आसान नहीं है। दोस्तों, भारत ने अग्नि 6 के बाद अग्नि 7 बनाया तो वह कितना शक्तिशाली होगा? तो आज हम इस वीडियो में भारत के अग्नि 7 की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत को अग्नि 6 के बाद अग्नि 7 भी बनाना चाहिए, तो इसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, महाभारत में कहा गया है कि अर्जुन के पास एक विशेष प्रकार का बाण था, जो तरकश से निकलते समय एक ही होता था, लेकिन धनुष से छूटने पर 10 हो जाता था और अपने टारगेट तक पहुंचते पहुंचते 1000 हो जाता था। कमाल की बात यह है कि इस वर्णन में भारत का एक हथियार है जो बिल्कुल फिट बैठता है। वह है भारत का अग्नि सीरीज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। भारत का अग्नि सीरीज मिसाइल सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स में से एक है, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और एक मिसाइल के जरिए 11 टारगेट को एक साथ निशाना बना सकता है। अग्नि सीरीज का डेवलपमेंट भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहा है और दुनिया के मिसाइल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में एक लंबी छलांग मारी है। अग्नि 6 एक एडवांस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है, जिसके जरिए भारत अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कर रहा है। इस मिसाइल की रेंज लगभग 12,000 किलोमीटर तक की है, जो दुनिया के किसी भी कोने में अपने टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखती है। अग्नि 6 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स यानी MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जिससे एक ही मिसाइल से 10 से 12 अलग अलग टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम्स और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ अग्नि 6 दुनिया के सबसे डेडली मिसाइल सिस्टम्स में से एक बन चुकी है। यही नहीं, यह मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी ले जा सकती है, जो इसे भारत के लिए एक पावरफुल हथियार बनाता है। अब बात आती है कि भारत को अग्नि 7 बनाने की जरूरत क्यों है। देखा जाए तो भारत का मिसाइल डेवलपमेंट अब तक काफी सफल रहा है। अग्नि सीरीज के माध्यम से भारत अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश हमारे लिए सिर दर्द बन चुके हैं और इन देशों के पास भी बहुत एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स हैं। चीन अपने डिफेंस सिस्टम में 12,000, 16,000 और 18,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों को शामिल कर चुका है। यानी अगर भारत को अपने दुश्मनों से सुरक्षित रहना है तो उसको भी अग्नि सीरीज जैसे एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स का डेवलपमेंट करना होगा। चीन के मिसाइल प्रोग्राम ने एशिया में एक नई आर्म्स रेस को जन्म दिया है और भारत को इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहिए। यही वजह है कि भारत को अग्नि 7 की जरूरत है। अग्नि 6 के बाद अग्नि 7 का डेवलपमेंट भारत के मिसाइल प्रोग्राम का अगला कदम हो सकता है। अग्नि 6 ने जो टेक्नोलॉजिकल सक्सेस हासिल की है, उसको आगे बढ़ाने के लिए भारत को अग्नि 7 पर काम करना ही होगा। अगर भारत अग्नि 7 का डेवलपमेंट करता है तो यह मिसाइल अग्नि 6 से भी ज्यादा पावरफुल और एडवांस्ड होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अग्नि 7 की रेंज 15,000 किलोमीटर तक हो सकती है, जो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद अपने टारगेट को आसानी से मार गिरा सकती है। यह मिसाइल भी MIRV टेक्नोलॉजी से लेस होगी, जिससे एक ही मिसाइल से 15 टारगेट को एक साथ निशाना बनाया जा सकेगा। हाइपरसोनिक स्पीड के साथ
अग्नि 7 दुश्मनों के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को जलाकर राख करने में सक्षम होगी। हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स दुनिया के सबसे एडवांस्ड और डेडली वेपन सिस्टम्स में से एक है। इस प्रकार की मिसाइल को रोकना किसी भी देश के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि यह मिसाइल इतनी तेज होती है कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम्स के पास इसे इंटरसेप्ट करने का वक्त ही नहीं होता। अग्नि 7 के पास यह क्षमता होगी जो इसे दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिसाइल बनाने के लिए काफी है। अब दोस्तों, कई लोगों के मन में यह बात भी चल रही होगी कि यह क्या फालतू की वीडियो है, अभी 6 बना नहीं और अग्नि 7 की बात हो रही है। तो दोस्तों बता दें कि भारत के लिए कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि भारत कुछ चीजें साइलेंटली करता है, किसी को भनक तक नहीं लगने देता। और जिस तरह दुश्मन देशों की ताकत बढ़ रही है, उसको देखते हुए भारत अग्नि 6 के साथ साथ अग्नि 7 को भी बन सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और भारत में एक कहावत है, जब हम बड़ी ताकत के रूप में उभरते हैं तो हमारे बड़े दुश्मन भी उभर कर सामने आते हैं। आज भारत एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है, और चीन जैसे देश अपने मिलिट्री और मिसाइल क्षमताओं को और मजबूत कर रहे हैं। चीन अपने डिफेंस सिस्टम में खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल्स शामिल कर रहा है, जो भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। भारत के मिसाइल प्रोग्राम का डेवलपमेंट इसीलिए भी जरूरी है, क्योंकि एशिया में हर कोई अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। यहां तक कि पाकिस्तान ने भी अपना मिसाइल प्रोग्राम बहुत तेज गति से बढ़ाया है, और वह अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स के वाहन के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स का डेवलपमेंट कर रहा है। ऐसे में भारत को अपने मिसाइल प्रोग्राम को और ज्यादा एडवांस्ड और पावरफुल बनाने की जरूरत है। अग्नि 7 का डेवलपमेंट भारत के मिसाइल डिफेंस के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। यह मिसाइल सिर्फ चीन और पाकिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के लिए भी बड़ा खतरा बन चुकी है। भारत को अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अग्नि 7 जैसे मिसाइलों का डेवलपमेंट करना ही होगा। दोस्तों, दुनिया के कई थिंक टैंक के मुताबिक अग्नि 7 का स्पेसिफिकेशंस यह होगा कि यह मिसाइल 700 से 785 किलोमीटर तक जा सकती है, 15,000 किलोमीटर तक की रेंज तक मार करने में सक्षम होगी। इस मिसाइल के पास मल्टीपल वॉरहेड्स ले जाने की क्षमता होगी, जो इसे मल्टीपल टारगेट्स पर एक साथ निशाना बनाने में मदद देगी। अग्नि 7 एडवांस्ड हाइपरसोनिक स्पीड से लैस होगी, जिससे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसे ट्रैक और इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। यह मिसाइल एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी, जो इसे दुश्मन के राडार सिस्टम से छुपा कर रखेगी। अग्नि 7 को न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने के लिए भी डिजाइन किया जाएगा, जो इसे एक ट्रू स्ट्रेटेजिक वेपन बनाता है। यानी अगर भारत को किसी भी दुश्मन देश के खिलाफ अपने आप को सुरक्षित करना है, तो अग्नि 7 जैसे पावरफुल मिसाइल का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को अग्नि 7 मिसाइल को बना लेना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।